आप भाई हैं जमाल के? जी सर। भाई भाई हैं आप? जी सर। बड़े हैं आप? बड़ा। तो उस दिन आप साथ थे या नहीं? नहीं, मैं घर पर था, ये सारे दाता साहब जाने के लिए बात कर रहे, तो अब्बू वगैरह ये मामू वगैरह सारा दाता साहब जाने के लिए पास ही घर है, बोतल पीने गए थे। तो हमें घर बाहर से खबर आई है कि ऐसे ऐसे उसको फायर लगा, तो हम वैसे भाग के। आपको फोन आया किसी का? जी। किसका? उसके दोस्त का फोन आया? गली में दोस्त हैं, उन्होंने आके हमें बताया, हमें नहीं बताया गया उसके दिमाग। हम जब पास गए तो पता लगा दिमाग में चोट लगी। अच्छा, दिमाग। तो हॉस्पिटल लेके चले गए, और जाते जाते उसी टाइम गोली दिमाग में लगी थी। दिमाग में गोली लगी। तो हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ा? जी। एम्बुलेंस 112 की थी? 112 की। तो कितनी देर बाद आ गए थे रेस्क्यू वाले? एक घंटे बाद आए। एक घंटे के बाद आई? जी, फायर के एक घंटे के बाद आए। और फोन आप लोगों ने फौरन कर दिया? वहाँ पे वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने फौरन फोन यानी कर दिया। उसके जमाल के दोस्त भी थे वहाँ पे? जी। कितने दोस्त जा रहे थे, कितने लोगों का प्लान था? ये रिक्शा करवाया था उन्होंने, चिंची रिक्शा बाहर से, उसमें 8 जाए 10 जाए वो सारों बाहर। अच्छा, तो जमाल का किसी के साथ कोई झगड़ा कभी आपसे कोई बात उसने शेयर की हो? नहीं सर, कोई ऐसी कभी कोई परेशानी आपने देखी हो उसके चेहरे पे? नहीं, कोई ऐसी वैसी परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा, हमने सारा पूछताछ किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं उसने, कुछ हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं बताया, मतलब ये हर बार शेयर करता, कोई गुनाह नहीं था, कोई कुछ नहीं किया उसने किसी के साथ? वैसे हर बार शेयर करता कि ऐसा हुआ ये, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई ऐसी वैसी बात कुछ थी। तो गारमेंट्स जहाँ पे काम करता था वहाँ पे किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, पूछा आपने मालिक जी? वो आए हुए भी थे, सारों से पूछा हमने कोई ऐसा वैसा मसला, या दुकान पे कोई मसला हुआ तो हमें उनको कोई ऐसा वैसा। तो वहाँ पे लोग मौजूद जो थे उनका कहना है कि फायरिंग जो है वो दूसरे इशारे यानी दूसरी तरफ से की, दूसरे साइड पे से, और वहाँ पे एक मोटरसाइकिल को वो गोली मार टारगेट करने आए थे, उसको टारगेट किया था, उसको टारगेट किया, लेकिन वो निकल गया फायर इशारे पे लगा, इशारे से लग के एक लड़के को क्रॉस हो गया, इसको लगा। जी ठीक। तो आप गए हैं थाने पापा के साथ? थाने मैं जा रहा हूँ साथ साथ, लेकिन वो तसल्लियाँ ही दे जा रहे हैं। गाड़ी का भी उन्होंने सिर्फ हमें बताया था कि हमने पकड़ लिया, हमें दिखाई नहीं गई। क्या कहते हैं वो तसल्ली? क्या अपने तौर पे हमने जाके गाड़ी की पिक्चर लिया, हमने नंबर देखा, तो वो तसल्लियाँ दे रहे हैं, आ जा कल आ जा। अच्छा, गाड़ी वहाँ पे गाड़ी की तस्वीर आपने कहाँ से ली? ग्रीन टाउन टाउनशिप थाने में। टाउनशिप थाने से ली? हाँ जी। टाउनशिप थाने में जो पकड़ी गई गाड़ी? जी पकड़े, तो उसी रात पकड़ी गई। पुलिस ने वहाँ से फोटेज कैसे ली गाड़ी की, नंबर कैसे पता चला? नंबर ये यहाँ से फोटेज लिया ये सीसीटीवी कैमरों में से। और सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ पे सेफ सिटी के तो नहीं लगे हुए? चौक में लगे, उधर से फुटेज लिया, और जो दुकानदार के आगे से फायर हुआ उधर से फुटेज लिया, क्योंकि दुकानदार ने कैमरे लगाए हुए। जी। अच्छा, अब उधर हम जा रहे हैं हम लोग सारे, तो वो पुलिस वाले उन्होंने मना करके गए हैं कि आपने हमारे सिवा किसी को फुटेज वगैरह नहीं दे, वो डरे हुए लोग, उनको डराया गया। अच्छा, पुलिस उनको कह के गई है कि आपने फुटेज किसी और को किसी और को नहीं दे, और पुलिस भी ले गई है? पुलिस भी ले गई सारा। अच्छा। कुछ उनके पता भी चल गया, इन्होंने बंदे भी पकड़ लिए, लेकिन हमारे सामने बंदे पकड़ लिए आप कैसे कह सकते हैं, पुलिस बताती है? पुलिस पता चली जाता है, जो गाड़ी पकड़ी गई जाहिर है बंदे भी पकड़े गए, गाड़ी कोई आपकी तो चल के नहीं आ सकते। और ये भी नहीं बता रहे कि गाड़ी कहाँ से पकड़ी है? ये भी नहीं उन्होंने बताया, कह रहे बस हमने गाड़ी में पकड़ ली, तो जाहिर है गाड़ी खुद तो चल के आ नहीं सकती, गाड़ी इन्होंने पकड़ी है, साथ बंदे भी होंगे। तो आपने पूछा कि बंदे कहाँ? हमने पूछा उनसे, वो कह रहे हैं हमने एक दो को छापे मारे हैं, लेकिन वो फरार। कितने लोग थे ये, कितने लोग बता रहे हैं? 7-8 लोग बता रहे हैं कि दो गाड़ियां ऐसे, हमें भी ऐसे बताया गया, दो गाड़ियां थी, एक सिल्वर कलर की और ब्लैक कलर की, ब्लैक वाली। ये गाड़ी कौन सी है जो पकड़ी गई? ब्लैक कलर की होंडा। अच्छा, होंडा ब्लैक कलर जी। और सिल्वर और फायरिंग करने वाला शख्स भी इसी में सवार था? अब ये मैंने अच्छा ये नहीं पता। नहीं, फुटेज जो आप जो लोग बता रहे हैं वहाँ पे वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं सिल्वर वाली में से फायर हुआ, ये गाड़ी वाले भाग गए। उसका नंबर नहीं था आपके पास? उसका नंबर उनका भी उनके पास मौजूद है, हमारे पास नहीं आया। तो वो गाड़ी नहीं पकड़ी अभी पुलिस? वो गाड़ी नहीं पकड़ी। टोटल दो गाड़ियां थी, उसमें से पुलिस ने एक पकड़ी है जी, और दूसरी नहीं पकड़ी? दूसरी नहीं। और फिर तसल्ली आपको दे रहे हैं कि जी हम पकड़ लेंगे? रोज के दो चक्कर लगवा रहे हैं बार बार। ये औरंगजेब साहब हैं? जी औरंगजेब, होमिसाइड इंचार्ज हैं जी सर, टाउनशिप टाउनशिप थाने में। आप भी भाई हैं जी? माइक दे रहे, आप सबसे छोटे हैं जी? अच्छा, आप भी काम करते हैं? हाँ जी। आप तीनों भाई काम करते हैं? भाई तीनों भाई काम करते हैं। तो भाई गारमेंट्स की दुकान पे कब से काम कर रहा था? 4 साल हो गए थे, 4-5 साल। एक ही शॉप पे था? हाँ जी, एक ही शॉप पे, वहाँ पे शुरू से। अच्छा, तो कभी उसकी लड़ाई ही वगैरह, कभी कोई बोलचाल, कभी कोई तलखी किसी के साथ? कभी भी नहीं हुई। सुबह टाइम हम इकट्ठे जाते थे, सुबह 11 बजे, रात को अक्सर इकट्ठे आते थे।
रात को भी 10-11 बजे आते थे? हाँ, 10-11 बजे आते थे, इकट्ठे आते थे। ठीक, जब ये वाकया पेश आया तो आप इसका मतलब है शॉप से आ रहे थे? या उस दिन संडे था ना, तो 8 बजे बंद हो जाती है शॉप, घर पे थे हम, 11 बजे गया घर से। तो जाने से पहले आपको पूछा होगा कि दरबार पे जाना है कि नहीं जाना? उस पे आप 6 बजे मेरी शॉप पे आया तो उस टाइम मेरे से पूछ रहा था, मेरे से बाइक लेके घर पे आया। अच्छा, बाइक लेके घर पे आया, मैंने जाना है उस पे। हाँ जी। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ चला? फिर अपने दोस्तों के साथ। दोस्त क्या बता रहे हैं उसके? दोस्त वगैरह यही बता रहे हैं, तो बाइक वाले के पीछे हैं वाई फायरिंग करते हुए, तो उसको लग गई, जमाल को लग गई। हवाई फायरिंग की उन्होंने और जमाल को? इसका मतलब है जमाल टारगेट नहीं था, टारगेट वो बाइक वाला था जो जमाल को, वैसे उसको लग गई। हाँ जी। लेकिन चलाने वाले का कसूर तो है कि उसने गोली क्यों चलाई? हाँ जी, हवाई फायरिंग कर रहे हैं रोड पे खड़े हुए। तो वो मोटरसाइकिल वाले के उसके साथ तलकलामी हुई थी गाड़ी वाले के साथ? ये नहीं हमें पता, इसीलिए फायर किया था उसने? हाँ जी। अच्छा, तो आप जब पहुंच गए थे फिर मौके पे? अब वो भाई गए थे, मैं घर पे मामा के पास था। अच्छा, तो क्या पहली इत्तला क्या मिली आपको कि उसके पाँव के में गोली लगी? हाँ, मैं पहले क्या गया, पाँव पे लगी है, फिर हॉस्पिटल ले गया कि ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में, फिर उसके बाद हमें सुबह पता चला। अच्छा, पहले तसल्ली दी जाती थी? तसल्ली दी जा रही थी, ठीक है, मतलब जमाल। हाँ जी, पाँव पे लगी, ऑपरेशन हो रहा है। तो पुलिस के पास आप भी गए? पुलिस के पास मैं भी गया। क्या रवैया पुलिस का? बस तसल्ली दे जा रहे हैं, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, गाड़ी पकड़ी गई है, कुछ भी नहीं कर रहे। ये वाकया 29 का है? 29 अक्टूबर का। हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद अब तक तसल्ली है? तसल्ली दे रहे हैं, अभी भी हम वहाँ से ही आ रहे हैं, बस कह रहे हैं आज कर लेंगे कल कर लेंगे, उनके घर जा रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। अच्छा, उनके घरों में ताले हैं? हाँ, वो कह रहे हैं ताले लगे हुए। अच्छा, पुलिस कह रही है कि हम उनके घर जा रहे हैं, उनके घर के लिए ताले लगे हुए। हमने पूछा भी है तो हमें बता नहीं रहे कि कहाँ पे रहते हैं, कौन है। ठीक है नाज़रीन, ये बड़ा अलमिया है कि पुलिस ने को गाड़ी का नंबर दे दिया गया और पुलिस के पास उस नंबर जब पहुंचा तो ज़ाहिर है उसने ट्रेस आउट किया और उसके बाद पता चलाया कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। गाड़ी, बड़ा अहम सवाल इन्होंने उठाया कि अगर गाड़ी पकड़ी है तो उसके साथ किसको गिरफ्तार किया है भाई, वो तो बताए ना पुलिस के इस शख्स को गिरफ्तार किया और उसका ये कसूर था, और जो एक गाड़ी पकड़ ली है तो दूसरी गाड़ी कहाँ पर है? दो गाड़ियाँ हैं और ये बताया जा रहा है कि जो सिल्वर कलर की गाड़ी थी उस गाड़ी में से फायर हुए थे, और यही वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक दो गाड़ियाँ थी और एक गाड़ी में 4-5 लोग थे और दूसरी गाड़ी में 2-3 लोग थे, तो जो पीछे खड़ी गाड़ी थी जो सिल्वर कलर की थी उस गाड़ी में से जो है वो फायर हुआ और जो फायर सीधा जाके सिग्नल को लगा, उसके बाद उस पोल से टकराने के बाद क्रॉस होके जमाल को लगा और जमाल के बिल्कुल यहाँ सर में आके लगा फायर और जमाल मौके पे ही ढेर हो गया और रस्ते में दम तोड़ा। और फिर एक और बड़ा अहम सवाल है कि क्या रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ यहाँ पर 1 घंटे ताखीर से पहुँचे? अगर वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये हमारा ईमान है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कोशिश भी होती है, तो क्या रेस्क्यू 1122 की गाड़ी 1 घंटा ताखीर से क्यों पहुँची? अगर वो जल्दी पहुँच जाते तो कम अज़ कम हॉस्पिटल जो है वो पहुँच जाते जमाल को लेकर, और वहाँ पर मे बी कि वो बाजिया वो उसकी वो जांबर हो जाता और उसकी जान बच जाती। ये तमाम तर मामला है एक तो सबसे पहले, और दूसरी बात कि पुलिस तसल्ली देने के बजाय क्रिमिनल्स के पीछे क्यों नहीं पड़ती? पुलिस मुदियान को चक्कर पे चक्कर क्यों लगवाती है? ये पुलिस के सिस्टम पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान उसी वक्त दूर होगा जब ये दावा करने वाले, पुलिस को गैर सियासी करने वाले और इसके साथ साथ पुलिस को फाल करने वाले लोग इस पर तवज्जो देंगे। यहाँ पर जमाल की सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहन है जमाल की? सबसे छोटी बहन है आप? अच्छा, जमाल का काफी प्यार था आपसे, जाहिर है बहन भाई का प्यार भी होता है, तो आप उस वक्त यहीं पे थी जब ये वाकया हुआ? जी। स्कूल भी जाती हैं आप? जाती थी, छोड़ दिया। अच्छा, तो क्या फोन आया था मम्मा को? मम्मा के नंबर पे आया था, पापा के नंबर पे आया था? वो दोस्त के नंबर पे आया था, फिर उसने घर आके बताया था पापा को। अच्छा, दोस्त आया था पापा के पास? भाई का। अच्छा, भाई का दोस्त आया था, उसने बताया। ये अपील है इमरान खान साहब से और वजीर आला से, और ये जो बड़े ऑफिसर हैं इनसे अपील है हमारे सर इंसाफ किया जाए। अगर इस तरह चक्कर आए तो इंसाफ किस तरह होगा? इसी तरह ये हर पूरे पाकिस्तान में या कहीं इस तरह की तब्दीली है? ये किस तरह की तब्दीली है कि हमारा बेटा चला गया और ये तब्दीली है? उन्होंने कोई अभी थाने में जाके वो कहते हैं कल आना परसों आना, इसी तरह तब्दीली चलेगी? यही होगा लोगों के साथ, इसी तरह ही लोग मरेंगे कटेंगे। वो इमरान खान साहब की अब तब्दीली आई है, उनकी हुकूमत है, उनको चाहिए ये एक्शन लें। हमें उनसे अपील है ये हमारा मसला हल करें बस। नाज़रीन, फैमिली के तासुरात तो आपने जाने, उन्होंने अपील की है
وزیراعلیٰ پنجاب سے، سی سی پی لاہور سے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب سے کہ ان کو انصاف دیا جائے. محلے دار یہاں پر کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ محلے دار ہیں، جمال کو جانتے ہیں؟ جی جمال کو جانتے ہیں. جمال کا کبھی کریکٹر وائز کیسا تھا جمال؟ کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں؟ بہت اچھا بچہ تھا، کسی سے لڑتا نہیں تھا، صرف کام سے کام رکھتا تھا. بس یہ اچانک سے ایک حادثہ ہوا، ابھی اس کا انصاف چاہیے. یہ حادثہ ہوا، اس کا کسی سے دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں تھی کسی سے، کوئی بدتمیزی بھی نہیں. محلے میں بھی بہت اچھا بچہ تھا. یہ تینوں لڑکے اچھے ہیں، کام کام سے کام رکھتے ہیں، کسی سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے، نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں. اور بس یہ حادثہ اچانک سے ہوا. جو بھی اچانک سے حادثہ ہوا ہے، اور جمال کسی کے ساتھ نہیں لڑتا تھا نہ جھگڑتا تھا، اور اس کا کریکٹر بھی اچھا تھا. یہ محلے داروں کو کہنا. آپ جانتے ہیں جمال؟ جی سر، جمال بہت اچھا بچہ تھا ہمارے محلے کا. اور اس دن رات 10:30 بجے میری شاپ پہ آیا، مجھ سے سامان لے گیا. تو رات 12:30 بجے یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے ساتھ. اور نہایت شریف بچہ تھا، صبح 9 بجے کام بھی جاتا تھا، رات 11:12 بجے مجھے باغنی چوک روزانہ میرے ساتھ بائک پہ بیٹھ گیا تھا. پتہ نہیں یہ کیسے، کیوں، کون لوگ ہیں ان کو. انتہائی افسوسناک واقعہ، بہت افسوسناک واقعہ ہوا، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. انصاف ملنا چاہیے، انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ قرار دیتے. بزرگو، آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم آرام سے آیا. یہ جمال کو جانتے تھے؟ بالکل جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اور کون جانتا ہے اس کو. کتنا جانتے ہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ. کبھی کوئی محلے میں کوئی پرابلم؟ نو پرابلم. نو پرابلم. اچھا لڑکا، اچھا لڑکا، بہت ہی اچھا لڑکا. یہ تو زیادتی ہوئی پھر اس کے ساتھ، ظلم بہت بہت زیادہ زیادتی ہوئی. لیکن ان لوگوں کو انصاف نہیں ابھی تک ملا، انصاف ابھی تک نہیں ملا. جی یہ 29/10/2018 یعنی 29 اکتوبر کا یہ واقعہ ہے، اور پولیس نے گاڑی جو ہے وہ گرفت میں لے لی ہے، وہ پکڑ لی ہے. لیکن ابھی جو باقی لوگ ہیں، ملزمان ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ پولیس کا موقف ہے، اور عنقریب جو ہے وہ پکڑے جائیں گے دوست، لیکن جو وہ ملزم، لیکن ابھی جو ہے وہ نہیں پکڑے گا. آپ بھی محلے دار ہیں سر؟ ہاں جی. بہت اچھا لڑکا سی، لیکن ہوئی زیادتی ہے، ایسا تو نہیں ہونا، انصاف ہونا چاہیے. انصاف کی دعائی سب لوگ دے رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ جمال کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور اس پورے گھر کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ جمال جو ہے وہ برابر کا کفیل تھا، برابر کا کندھا بنا ہوا تھا، اس وقت بازو بنا ہوا تھا اپنے والد کا. تینوں لڑکے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جمال بھی ان میں سے ایک تھا. کسی کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی زیادتی جو ہے وہ کبھی جمال نے نہیں کی. علاقے کے لوگ، محلے دار، اور خصوصاً وہ لوگ کے جو موقع پر موجود تھے، جنہوں نے دیکھا گاڑیاں کس طریقے سے آ کے رکیں، کس طریقے سے انہوں نے فائر کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے. وہاں پہ سگنل کے پول کو گولی لگی، اس کے بعد ٹکرائی، اور ڈائریکشن چینج کرتے ہوئے گولی سیدھی جو ہے وہ جمال کے سر میں جا کے لگی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ جمال کو ٹارگٹ کیا گیا یا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک جان جو ہے وہ ضائع ہو گئی، ایک کفیل گھر کا وہ یہاں سے چلا گیا، اور ماں کی گود اجڑ گئی. پولیس کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے کہ آخر جو گشت ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے، اور جو پولیس دعوے کرتی ہے کہ ہر سائٹ پہ امن و امان ہے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے، یا باغڑیاں چوک کے مکین یا اس علاقے کے مکین جو ہے وہ اس واقعے کے بعد خوف و ہراس میں جی رہے ہیں. یقیناً ان سب کو انصاف ملنا چاہیے، اور جمال کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا بھی دینا، انصاف دینا، اور تمام حوالوں سے ان کی داد رسی کرنا ہمارے اداروں کا کام ہے. پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان طارق حفیظ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.